بسم الله الرحمن الرحيم. आज है जी हमारा मिसिस डेलोवे। मिसिस डेलोवे एक जो नॉवल है इट्स रिटन बाय वर्जीनिया वुलफ। शी वाज अ मॉडर्निस्ट राइटर। शी वाज आल्सो आल्सो फाउंडर ऑफ मॉडर्निस्ट टेक्निक ऑफ सम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अलोंग विद जेम्स जॉयस। एंड ये बाय द वे हमारे नॉवल्स में सन्स एंड लवर है, ठीक है जी, जो डी एच लॉरेंस का है, वो भी एक मॉडर्निस्ट राइटर है। उसने भी इसी तरह टेक्निक्स को चेंज किया है, ठीक है जी। तो हमारा जो ये नॉवल है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका इंट्रोडक्शन। द राइटर ऑफ द बुक इज वर्जीनिया वुल्फ। अबाउट द राइटर हमें पता चलता है कि क्या है ये। शी वॉज बॉर्न इन 1882। शी वॉज बॉर्न इन लैंडोरा, राइट। तो शी वॉज द डॉटर ऑफ फेमस राइटर सर लेस्ली स्टीफन। इसकी फैमिली बैकग्राउंड, और ये इसने फीमेल्स के बारे में बड़ा काम किया है, ठीक है जी। इसने ये बात हमेशा मतलब लोगों को बताया है। इसका ये फेमिनिज्म के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है कि जब तक फीमेल जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगी उस वक्त तक इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो मतलब चूंकि फीमेल्स फेमिनिज्म की जो आगे मूवमेंट्स चल चुकी थी उसका ये सेकंड फ्लो में आती है ये मॉडर्न एज में, ठीक है। थर्ड में आ गई पोस्ट मॉडर्न में, फीमेल्स जो थी मुकम्मल तौर पर उन्होंने टेकअप कर लिया था अपने सारे आइडियाज का। तो इसमें इसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो ये कहती है कि जब तक फीमेल्स को आप अपना जो है ना वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस से आज़ाद नहीं करवाएंगे, मेल के जब तक वो रहेगी तो वो डेफिनेटली उसको सारे उसके आइडियाज़ को जो है ना फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा नॉवल है ये वर्जीनिया वुल्फ मदर। थोड़ा बायोग्राफी से पता चलता है क्योंकि इसका करेक्टर में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी है। जो मिसिस डेलोवे है, जो हीरोइन है, वो हमें पता चलेगा कि वो क्या है, ठीक है जी। तो वर्जीनिया वुल्फ को थोड़ा मतलब यहाँ पर आपको पता होगा एंड पे ये सुइसाइड कर लेती है। तो इसके अंदर जो मिसिस डेलोवे है शी वुड लुक लाइक अ वेरी क्या कहेंगे डिसकॉन्सोलेट टाइप ऑफ गर्ल। शी इज एक्चुअली अनएबल टू रिकनसाइल विद द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड शी इज मोर और मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज इंट्रोस्पेक्टिव। शी वांट्स टू गेट फ्रीडम। शी वांट्स टू गेट हैप्पीनेस थ्रू हर इनर डिलाइट रादर देन आउटर डिलाइट। मतलब उसको आउटर वर्ल्ड रियलिटी के साथ इतना प्यार नहीं है। वाई? बिकॉज शी इज डिप्रेस ड्यू टू द अपकमिंग जो है ना सरकमस्टांस। वर्जीनियाज मदर सडनली डाइड एट द एज ऑफ 13, राइट। वैन शी वॉज 13 ईयर ओल्ड हर मदर डाइड। इन दैट ईयर्स वर्जीनिया वुल्फ कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज वुमेन वर रिमेन इन सेकेंड प्लेस बट शी डिवेलप हर सेल्फ विद हर फादर्स हेल्प। डेफिनेटली फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इस फीमेल के ऊपर, ठीक है जी। तो इसलिए ये थोड़ी सी फेमिनिस्ट भी नजर आएगी हमें, फीमेल्स की राइट के बारे में बातें करती नजर आएगी। शी इम्प्रूव हर सेल्फ इन हर फादर्स लाइब्रेरी। और ये फिर इन्होंने एक मतलब पूरी मुकम्मल सेटअप में आई और फिर इन्होंने तालीम हासिल की और इन्होंने जो है ना वो एक लिटरेरी मूवमेंट के अंदर इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक्सपेरिमेंटल नॉवल्स लिखे जिसके अंदर फॉर्म और टेक्निक्स को चेंज किया गया, जो मॉडर्न नॉवल का हॉलमार्क बने, ठीक है। जो इन्होंने किया है उन्हीं को मॉडर्न फीचर में बयान किया जाता है। तो शी इम्प्रूव हर सेल्फ इन फादर लाइब्रेरी एंड शी पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज इन द न्यूज पेपर। तो मतलब उसको राइटिंग का शौक था। की फैक्ट्स अबाउट द बुक। हमारी स्पेसिफिक बुक में क्या फीचर्स हैं? ये एक बुक क्या है, नॉवल है। नॉवल आपको पता होगा लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है। जॉनरे क्या है इसकी, मॉडर्निस्ट फॉर्मलिस्ट एंड फेमिनिस्ट, ठीक है। दो तीन चीज़ें मतलब हमें नजर आएंगी। मॉडर्निस्ट वर्जन है, उसके अंदर टेक्निक्स उसकी चेंज होती नजर आएंगी। मतलब इसके अंदर हाई जो है ना ये सारी चीज़ें इंप्रेशनिज्म जो है ना और उसका इंटीरियर मोनोलॉग। तो फॉर्मलिस्ट है ये, मतलब फॉर्म को बहुत ज़्यादा इसने चेंजिंग के ऊपर मतलब जो है ना मूवमेंट के अंदर शी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिकली। एंड फेमिनिस्ट है तो शी रेज द जेंडर इश्यूज, राइट। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। सेटिंग टाइम है अ डे, ओनली वन डे इज बीइंग टोल्ड आउट ऑफ हर होल लाइफ, राइट। एंड वी आर टोल्ड कि हाउ शी इज लीडिंग हर लाइफ। और हमें उसके जो है ना इनर थॉट तक हमें व्यू मिल जाएगा कि वो कैसी जिंदगी गुजार रही है। तो मिड जून इन 1923 के अंदर सेटिंग की गई और ये लंदन के अंदर जो है ना इंग्लैंड के अंदर जो लंदन है वहाँ पर इसको डिपिक्ट किया गया है। वर्ल्ड वार वन का मतलब बैकग्राउंड में रखा गया है। एक वर्ल्ड वार का बड़ा इन्फ्लुएंस है मॉडर्निज्म के अंदर। तो वर्ल्ड वार वन ने बहुत लाइफ को, इंसानों को, थाट को चेंज कर दिया।
ठीक है जी। तो अब यहाँ पर उसके इन्फ्लुएंसेस भी आपको नजर आएंगे। तो इसका नरेटर जो है वो एनोनिमियस है, नामालूम है। द ओमनीशाइंट नरेटर इज कमेंटिंग वॉइस हु नोज एवरीथिंग अबाउट द करेक्टर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होंगे। दो तीन राइटर करेक्टर जो होंगे, अभी मैं उनका नाम लूंगा, उनकी थॉट के जरिए में तीन करेक्टर्स हैं जो मतलब उनके थॉट के जरिए हमें वो एक ना कहानी बताई जा रही है जी बेटा। अब इसके बाद आ जाती है इसका करेक्टर लिस्ट, ठीक है जी। सबसे जो बड़ी हीरोइन इसकी है, जो मेजर करेक्टर है, शी इज क्लरिसा डेलोवे, मिसिज डेलोवे मतलब जो है ना, क्योंकि शी इज द वाइफ ऑफ रिचर्ड डेलोवे हु इज अ पॉलिटिशियन जिसका उसकी शादी हो चुकी है। शी इज 50 ईयर्स ओल्ड नाउ। शी हैज अ डॉटर एलिजाबेथ डेलोवे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो लाइफ गुजार रही है, लेकिन आज उसको एक मतलब जो है ना, वो चाह रही है कि मैं अपनी प्राइवेसी के अंदर थोड़ी सी मतलब कम्युनिकेशन भी करूं, क्योंकि मैं प्राइवेट होती हूं तो मुझे वो थॉट हॉन्ट करती हैं। तो अब देखें तो इसलिए उसने एक पार्टी अरेंज की हुई है। अपर क्लास फीमेल है, द हीरोइन ऑफ द नॉवल्स है, स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली टू बैलेंस हर इंटरनल लाइफ विद एक्सटर्नल लाइफ। यही मैं बात कर रहा हूँ कि वेन शी मतलब जो है ना, अनएबल टू फाइंड हर इनवर्ड हैप्पीनेस, सर्टनली शी वुड लाइक टू गिव सम पार्टीज, शी वुड लाइक टू इन्वॉल्व इन समथिंग सोशल गैदरिंग्स। तो आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया है जो हमें इसके एक दिन की लाइफ के जरिए हमें इसका पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा कि ये क्या चाह रही है। क्लारिसा हैज अ टेंडेंसी टुवर्ड इंट्रोस्पेक्शन दैट गिव्स हर अ प्रोफाउंड कैपेसिटी फॉर इमोशन। इंट्रोस्पेक्शन माजी के मतलब जो है ना, अपने मतलब हालात को जो ना उनको देखना, जांचना, नापना, तोलना कि मतलब मुझे मेरे साथ ये क्या हुआ। मतलब जाहिर है हम भी अगर अपने माँ जब नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं तो वी हैव सर्टन रिग्रेट्स, ठीक है। हमने को हमारे से कुछ ऐसे इवल एक्ट्स हो चुके होंगे जिनके ऊपर हमें हमेशा जो है ना वो रिग्रेट्स रहते हैं, विच मैनी अदर करेक्टर्स लैक। तो डेफिनेटली दूसरे जो करेक्टर्स हैं वो इतना ज्यादा डेप्थ नहीं रखने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंटली ये इसके ऊपर हमने सारा नॉवल तकरीबन, ठीक है जी। दूसरे भी लोग हैं उसमें, मतलब एक और है सेप्टिमस, वो उसके भी बारे में अभी बताता हूँ, लेकिन क्लारिसा इज अ मेजर फिगर, राइट। तो ये समझ लें कि राइटर ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है थ्रू दिस करेक्टर। तो इसलिए हमें इसके सारे मैनर्स, बिहेवियर्स और उसके रिग्रेट्स, उसकी हैप्पीनेस और सारी चीज़ों को हमें पूरा पता चलेगा कि ये चाह रही क्या थी, क्या हुआ इसके साथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ने, सब्जेक्टिव आइडियाज क्या थे, किस तरह शादी हो गई, क्या चाह रही थी, किसके साथ इसका लव अफेयर ज्यादा था, वो लवर कैसा था, उसको इसने किस तरह प्रमोट जो ना वो सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव था, तो इसने अपनी तरफ से एक टेंडर माइल्ड किस्म के शख्स को किया जो बड़ा मतलब जो है ना प्रूडिश भी है। अब वो मतलब जो है ना एक पॉलिटिशियन भी है, वैसे तो बड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल है, बट ही इज नॉट टू मच केयरिंग टुवर्ड्स हर। तो ये इसके रिग्रेट्स हैं, ठीक है। अगर वो उसको पा लेती तो मतलब वो हो सकता है कि वो उसको किसी और तरफ लाइट ले जाती। तो इसलिए ये सारी चीजें, पीटर नामी एक शख्स है ना जो इसका लवर है, तो वो पास में उसको अभी याद भी करेगी जो आज का जो दिन है जिसमें वो जब वो मतलब जो ना फ्लावर शॉप पे जा रही है इन ऑर्डर टू मेक प्रिपरेशन फॉर हर अरेंजमेंट विच शी हैड डन थ्रू हर पार्टी, ठीक है जी। तो कॉन्स्टेंटली ओवरलेइंग द पास्ट एंड प्रेजेंट क्लोरी स्ट्रगल टू रिकनसाइल हर हर सेल्फ टू लाइफ मेमोरीज। तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए इनको दोनों को रिकनसाइल करना कि भाई ये वही जो मैं आप अभी मेंशन कर रहा था कि पीटर के साथ इसकी शादी नहीं हो सकी क्योंकि वो अग्रेसिव लवर था। इसने रिचर्ड डेलोवे के साथ शादी कर ली है क्योंकि वो उस वक्त अपेरेंटली वो लग रहा था कि ही विल बी अ वेरी नाइस पर्सन एट दैट टाइम। फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल शी कंसीडर एजिंग एंड डेथ विद ट्रेपिडेशन सच एज बाइंग फ्लावर्स। तो मतलब देखे ना, वो हर वक्त वो उसको ये हो रहा है कि अब मैं एजर्ड हो गई हूँ, आई विल माई यूथ हैज गॉन एंड आई विल नेवर बी एबल टू रिट्रीव माई यूथ एंड डेथ इज जो है ना नियर। सो उसके बाद जो है ना अपने आप को इन चीज़ों से जो है ना वो दूर रखने के लिए वो बाइंग फ्लावर्स, पार्टी की अरेंज कर रही है, मतलब कोशिश कर रही है कि उसको कुछ आउटवर्ड कोई सोलेस मिल सके। थ्रू कंटेंट क्लारिसा नेवर लेट्स गो ऑफ द डाउट शी फील्स अबाउट डिसीजंस दैट हैव शेप्ड हर लाइफ। ये देखे ना, वही उसके डिसीजन है जिन्होंने उसकी लाइफ को शेप कर दिया है, पर्टिकुलरली हर डिसीजन टू मैरी रिचर्ड इंस्टेड ऑफ पीटर, राइट जी। तो इसने रिचर्ड के साथ मैरिज कर ली, जैसे मैंने अभी आपको बता भी रहा था इसकी डिटेल, ठीक है। तो उसको बारे में वो चीजें सोच रही है। उसके बाद है जी नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है सेप्टिमस वॉरन स्मिथ। ये एक बंदा वर्ल्ड वॉर 1 का वेटरन है, सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक। तो इसमें अभी हम थीम्स की तरफ भी जाएंगे, अभी हम थोड़ा करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि मतलब इसमें राइटर क्या कन्वे करना चाह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो थी, जिस तरह मतलब उसको हाइप बनाई गई और उसको नेशनल मतलब जो है ना एसोसिएट किया गया नेशनलिज्म के साथ, तो क्या वो उसके जो आफ्टर मैथ थे,
क्या वो वैसे ही थे जिस तरह के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे? यहाँ पर ये बता रही कि इट वॉज अटर फेलियर। तो बहरहाल अभी हम उसी तरफ बाद में जाएंगे। ये आइडिया ज़ाहर है करेक्टर से ही निकलते हैं, उनकी थॉट से निकलते हैं। तो ये एक बंदा है जो शेल शॉक जो है ना, जिसे कहते हैं तो पोस्ट वॉर ट्रॉमा, मतलब जो है ना इसको है। जिस तरह जो क्लरिसा डेलोवे थी वो एक जो है ना लेस्बियन भी थी, ये बंदा भी जो है ना लेस्बियन है, तो मतलब सेम सेक्स जो है ना उसको प्रमोट कर रहा है। इसका भी एक मतलब रिग्रेट टाइप, तकरीबन दोनों के कैरेक्टर जो है ना सिमिलर भी हैं, ज़्यादातर कंपैरिजन इनका बहुत ज़्यादा बनता है, कंट्रास्ट कुछ थोड़ा ही है। तो इसकी मैरिज जो है इटालियन वुमेन के साथ हुई, ठीक है जी। तो ये एक पोइट भी था, मतलब जो है ना राइटर भी था, तो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी लाइफ भी गुजारना चाहता था, पर जब रियलिटी ने इसको इतना ज़्यादा एक्सपोज हुआ रियलिटी के सामने, तो ही बिकेम रिग्रेटफुल। तो अभी देखिएगा एंड पे आके ये सुइसाइड भी कर लेगा। तो मैरिड टू एन इटालियन वुमन नेम लुक्रेजिया, लुक्रेजिया ने भी इसके लिए सब कुछ छोड़ा। वो इटालियन फीमेल है, उसने कहा अपनी सारी खुशी, अपना वो मुल्क सब कुछ छोड़ा। बट हुआ क्या कि ये बंदा जो ही वार से वापस आया, तो ही बिकेम ट्रॉमेटिक, मेंटल इलनेस इसको जो है ना वो आ गई, जिसकी वजह से अब वो बेचारी सारे रिमेनिंग लाइफ में, देखे ना फीमेल के इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, अब वो जितनी रिमेनिंग लाइफ है उसमें इसको ही टेंड करती नजर आएगी, अपना उसका कोई नहीं है यहाँ पर जिसको वो बेचारी कुछ बता सके। तो लुक्रेजिया मेक्स सेप्टिमस नोटस थिंग्स आउटसाइड हिमसेल्फ, तो उसको वो ये बताती है कि तुम सिर्फ अपने अंदर ही खो जाते हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हो, तुम थोड़ी सी चीजों को बात भी रियलाइज करो ना, लाइफ इज स्टिल मतलब टेंजिबल, लाइफ इज स्टिल लिवेबल, तो व्हाई डू यू थिंक नेगेटिवली टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट। कि जब उसने मतलब जो है ना वापस आया, ये आर्मी का कैप्टन जो आया, ये आर्मी का ऑफिसर, बट ही हैज रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, व्हाई? बिकॉज ही इज अटरली रिमूविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसलिए शी इज द सोर्स कि वो उसको मिलाए उसके स्पिरिचुअल लाइफ को फिजिकल वर्ल्ड के साथ। तो लुक्रेजिया इंस्टेड ही लिव्स इन एन इंटरनल वर्ल्ड, क्योंकि वो बेशा बस यही सोचता रहता है मेरा दोस्त था जो, ये मैंने अभी मेंशन भी किया है, जिसके साथ उसका लेस्बियन या वो मतलब इस तरह के जो ओल्ड डेड फ्रेंड है उसके साथ उसने कुछ ज्यादा ही अनइनहेबिटेड जो है ना वो फ्रेंडशिप बनाई हुई थी, वेयर इन ही सी। तो ये देख रहे हैं कि मॉडर्न नॉवल जो है ना किस तरह, हमने इसके फीचर्स भी पढ़े थे, मैं उसको दोबारा भी आपके साथ वो कर दूंगा कल वाले लेक्चर में। तो मॉडर्न फीचर के अंदर जो ना ये इसके अंदर ये है कि फ्री एंड फ्रैंक ट्रीटमेंट टू सेक्स, कि मतलब जो मॉडर्न मैन है वो किस तरह हमसे कुछ चीज़ अब छुपाता नहीं है, ठीक है जी। अब वो उतना हिपोक्राइट नहीं है जितना वो विक्टोरियन एज में था। तो इंस्टेड ही लिव्स इन एन इंटरनल वर्ल्ड वेयर इन ही सीज एंड हियर्स थिंग्स दैट आरंट रियली देयर, एंड ही टॉक्स टू हिज डेड फ्रेंड इवंस, राइट जी। तो उसके बाद जो है ना वो बस अपने हमेशा बातें करता रहता है उस इवंस के साथ, कि भाई मैं आपके साथ बहुत मेरी फ्रेंडशिप थी, तुम मर गए हो, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। मतलब ही ऑलवेज इंटेंड टू हैव अ डेथ विश थ्रू ही दो ही इज इनसेन, अब आउटवर्डली ही इज इनसेन, मतलब इन द आईज ऑफ द अदर साइकोलॉजिस्ट एंड द डॉक्टर्स तो ही इज इनसेन। सेप्टिमस व्यूज इंग्लिश सोसाइटी इन मच द सेम वे एज क्लरिसा डज, तो लेकिन फिर भी इंग्लिश सोसाइटी सोसाइटी जो अब, क्योंकि मैंने बताया था मॉडर्न नॉवल्स के अंदर मॉडर्निज्म के अंदर इंडिविजुअलिज्म को बहुत प्रमोट किया जाएगा और सोशल नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है, कि ये सोशल नॉर्म्स जो हैं इनको मतलब ये बड़े अप्रेसिव है। एंड ही स्ट्रगल्स एज शी डज, जिस तरह बिल्कुल क्लरिसा डेलोवे है वो भी स्ट्रगल कर रही है कि मतलब किस तरह वो अपनी इनर लाइफ को आउटवर्ड लाइफ के साथ जो है ना रिकनसाइल नहीं कर रही, इसी तरह ये बंदा भी बहुत मुश्किल है इसके लिए। टू बोथ मेंटेन हिज प्राइवेसी, कि मतलब वो अपनी प्राइवेसी भी बरकरार रखे एंड फुलफिल हिज नीड टू कम्युनिकेट विद अदर, और वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन भी करे। तो ये चीजें मतलब सॉल के लिए चैलेंज बन रही है दोनों करेक्टर्स के लिए। सेप्टिमस एंड क्लरिसा बोथ हैव अ बिग नोज, ये इनकी सिमिलैरिटी है, ठीक है, इनके नोजेस एक जैसे ही हैं। लव शेक्सपियर, दोनों ही शेक्सपियर के साथ लव करते हैं। एंड फियर ऑपरेशन, और ऑपरेशन से बहुत इनको डार्क हो। और तीसरी कंपेयर जो है ना वो मैंने पहले मेंशन कर चुका हूँ कि इनका लेस्बियन रिलेशनशिप विद देयर सेम सेक्स, हेट्रोसेक्सुअल नहीं है ये, और ये मतलब जो है ना होमोसेक्सुअलिटी की तरफ दोनों गए हैं। तो ये चौथा इनका कंपेरिजन भी आ रहा है। बिफोर द वार ही वॉज अ यंग आइडियलिस्टिक पोइट, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया था कि राइटिंग भी करता था, लिखता भी था, अपने इमोशंस को अल्फाज का जामा पहनाता था। आफ्टर द वार ही रिगार्ड ह्यूमन नेचर एज ईवल एंड बिलीव ही इज गिल्टी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फील, बस उसने फिर जो है ना वो ये कहा कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो बहुत ईवल है और उसको बहुत मुश्किल है कि वो अपने तमाम चीज़ों को लोगों तक पुट अक्रॉस कर सके, अपने आइडियाज़ को, तो इसलिए ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, और इसका जो ओवर गिल्ट होगा फिर वो अपने आप को सुइसाइड कर ले। तो दिस वाज एस्केप हिज प्रॉब्लम बाय किलिंग हिमसेल्फ, वो कहता है कि ये इन प्रॉब्लम जो है ये परपेचुअल हैं, दे आर ऑलमोस्ट अनरिजॉल्वेबल, सो देयरफॉर ही कमिट्स सुइसाइड।
सुइसाइड इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स। तो उसने आखिरकार ये किया, ठीक है, मैंने बताया था बायोग्राफी अगर हम राइटर की भी पढ़ें तो वर्जीनिया वुल्फ आल्सो सफर्ड सच अ ट्रॉमा पोस्ट, इसके घर को के अंदर बम्बार्डमेंट हुई एंड देन जो है ना ये पता चला कि इसने भी सुइसाइड कर ली थी बाय ड्रोनिंग, शी एम्ब्रेस्ड डेथ बाय ड्रोनिंग। तो ये उसकी सुइसाइड, तो ये देख लें इसके करेक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है जो राइटर है उसके फिक्शनल वर्क्स में, कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी वर्ल्ड वॉर वन की। उसके बाद दो बड़े करेक्टर्स हो चुके हैं जिनको मैंने अभी मेंशन कर चुका हूँ, पीटर वो क्या नाम था उसका, क्लैरिसा डेलोवे, और उसके बाद सेप्टिमस, और ये तीसरा बड़ा जिसका मेंशन हो चुका क्लैरिसा की थॉट में, क्लोज फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा वंस डेस्परेटली फॉल इन लव विद हर। और अब ये जो है ना, जब अभी हम थोड़ा इसका प्लॉट एनालिसिस करेंगे तो देखिएगा ये उसको मिलेगा, फिर रोएगा, वो कहेगा तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, हम अच्छा खासा तो हमारा जो है ना लव अफेयर चल रहा था, कोर्टशिप हमारी अच्छी जा रही थी, बट यू रिजेक्टेड मी एंड यू प्रेफर्ड मिस्टर रिचर्ड ऑन मी। तो Clarissa rejected Peter's marriage proposal when she was 18 and he moved to India. आपको पता उस वक्त चूंकि यूनाइटेड इंडिया था, अभी हमारा इंडिया जो नहीं हुआ था, तो इनकी तो वो कलोनी थी ना, तो ये ब्रिटिश एम्पायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कहता है कि वहाँ से आगे ये किसी के साथ, एक लड़की के साथ मैरिज कर लेगा। पीटर एक्ट्स एज अ फॉयल टू रिचर्ड। तो इन दोनों का अगर हम, जो उसका हस्बैंड है Clarissa का और Clarissa के लवर है, इन दोनों को अगर करें तो ये दोनों अपोजिट जाते हैं। वो स्टेबल जो रिचर्ड जो है, उसका हस्बैंड जो है वो काफ़ी स्टेबल है, जेनरस है एंड रादर सिंपल भी है, जबकि इसकी सारी अपोजिट क्वालिटी, अनलाइक काम रिचर्ड पीटर इज लाइक अ स्टॉर्म थंडरिंग एंड क्रैशिंग। वैसे बड़ा अग्रेसिव था ना, तो शायद इस वजह से लड़की ने कलरिस जो मेन हमारी जो प्रोटागोनिस्ट है उसने ये समझा कि अगर मैं इसके साथ मैरिज करूँगी तो इट विल इंट्रिकेट हर लाइफ, तो देयर फोर शी प्रेफर रिचर्ड टू मिस्टर पीटर। सैली सेटन, ये वही लड़की है, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ Clarissa एंड पीटर इन देयर यंग, दोनों की दोस्त थी, तो मतलब उसका वो मेल लवर भी था और ये फीमेल लवर भी थी। शी ओनली एग्जिस्ट एज अ फिगर इन Clarissa's मेमोरी, और आज इसको पार्टी के ऊपर भी मदऊ किया हुआ, ये दोनों तीनों सब लोग आएंगे, ठीक है जी, जिनके मैंशन है तकरीबन ज्यादा सारे लोग आएंगे, और इनको गैदरिंग में भी किया गया, लेकिन उनकी थॉट का एनालिसिस बहुत किया गया, इंटीरियर मोनोलॉग्स तक हम पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो जो है उसके बाद जो है बेटा, शी ओनली एग्जिस्ट एज अ फिगर इन Clarissa's मेमोरी बट शी अपीयर्स एट द पार्टी, शी इज ओल्डर बट फेमिलियर। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब वो Clarissa की तरह वो भी एजेड हो चुकी है, लेकिन स्टिल वो सबको बड़े अच्छे तरीके से जानती है। शी एंड Clarissa वर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू वन अनदर एज टीनएजर्स, तो उनके अनइनहैबिटेड जो लव रिलेशन था विद सेम जेंडर वो भी उसको भी बात की गई है। तो मतलब फ्रैंक, वी आर एवरीथिंग टू इज टोल्ड फ्रैंकली टू अस। Clarissa कंसीडर्ड द मोमेंट व्हेन सैली किस्ड हर ओन लिप्स द मोस्ट एक्सक्विजिट मोमेंट ऑफ हर होल लाइफ। तो ये देखिए Clarissa के साथ उसकी इतनी डीप फ्रेंडशिप है कि मतलब जब उनका एक फिजिकल रिलेशन बना तो उसमें वो ये बता रही है कि वो उसका जो होल लाइफ के लिए, उसके लिए अकॉर्डिंग टू हमारा जो ना प्रोटोगोनिस्ट, वो उसका बेस्ट मोमेंट था ऑफ हर लाइफ। Now Sally lives in Manchester and is married to, and also she has got 5 boys. अब उसके बेबी बच्चे भी हैं, बेटे हैं, हर मैरिड नेम इज लेडी रॉस्टर, जाहिर है अपना नाम नहीं रहा क्योंकि मैरिज ये भी एक जेंडर इशू है, मतलब उसका जिस तरह मिसिज डेलोवे, हालांकि उसका नाम तो Clarissa है, तो लेकिन डेलोवे मिस्टर रिचर्ड डेलोवे, तो इसलिए फादर वो अपने हस्बैंड के साथ उसका नाम एसोसिएट किया जा रहा है, तो ये भी इशू जो है Virginia Woolf ने रेज किया है। जी बेटा, रिचर्ड डेलोवे, रिचर्ड डेलोवे अब उसका हस्बैंड है, उसके बारे में जो मेरे करेक्टर में आता है, तो रिचर्ड इज अ सिंपल, आगे जो नेक्स्ट है वो उसकी बेटी है एलिजाबेथ डेलोवे। तो बस इतने करेक्टर हमारे हैं जो मेन मेन करेक्टर हैं, जो इम्प्रेशनेबल करेक्टर्स हैं हमारे मेन फिगर्स के ऊपर, तो उनका तल्लक हम देखिएगा आगे, हम थोड़ा स्टोरी में भी देखते हैं कि ये क्या है। रिचर्ड इज अ सिंपल हार्ड वर्किंग सेंसिबल हस्बैंड हु लव्स Clarissa एंड देयर डॉटर एलिजाबेथ। तो वो है तो मतलब अपनी तरफ से सेंसिबल है, हार्ड वर्किंग भी है, जेनरस भी है, सिंपल भी है, बट स्टिल शायद वो ना Clarissa को इम्प्रेस नहीं कर पाया, ठीक है, जिस तरह उसने उसके बारे में सोचा था कि उसको वो जैसे रखेगा। तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, तो इनकी आपको पता होगा लिबरल पार्टी और एक टोरी पार्टी है, तो टोरी जो है वो कंजर्वेटिव है, तो उसका मेंबर है ये, तो मतलब MNA भी है। रिचर्ड प्लान्स टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट इंग्लिश मिलिट्री फैमिली, तो उसका ये प्लान भी है कि मैं जो है ना हिस्ट्री लिखूं। When the party comes to power,
राइट तो जब उसकी पार्टी जो है अभी वो अपोजिशन में है, तो जब उसकी पावर में आई पार्टी, तो आई ही वुड लाइक टू हैव अ राइट सम हिस्ट्री। उसके बाद उसकी बेटी है जी एलिजाबेथ डेलोवे, कलरी सेंट रिचर्ड्स ओनली चाइल्ड, जेंटल कॉन्सिडरेट एंड सम वट पैसिव, 17 ईयर्स ओल्ड है, शी डजेंट हैव क्लारिसास एनर्जी, उस उतनी एनर्जेटिक नहीं है, शी इज रियली इम्प्रेस्ड एंड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ट्यूटर हु हर नेम इज किल मैम। तो वो जर्मन लेडी है, मदर उसकी जो है क्लारिसा, वो उसके साथ उसकी ट्यूटर के साथ जो एलिजाबेथ डेलोवे की है उसका उनका बड़ा जो ना वो चाहती है कि मेरा इन्फ्लुएंस चले, वो थोड़ी कैथोलिक लेडी है और वो चाहती है कि मेरा इन्फ्लुएंस हो, जबकि क्लारिसा आपको पता है थोड़ी सी फैशनेबल है और वो इतना मजहब को इतने ज्यादा नहीं देखती। अब प्लॉट ओवरव्यू देखते हैं जी हम। मिसिज डेलोवे कवर्स वन डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इन वन वुमेन्स लाइफ। मैंने जैसे बताया था कि इट इज ओनली वन डे आउट ऑफ अ होल लाइफ, बट वो हमें उसके पास्ट में और फ्यूचर और उसके प्रेजेंट में जो प्लॉट है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा। क्लारिसा डेलोवे एन अपर क्लास हाउस वाइफ है, वॉक्स थ्रू हर लंदन नेबरहुड टू प्रिपेयर फॉर अ पार्टी शी विल होस्ट दैट इवनिंग। कुछ मैंने आइडिया दे चुका हूँ कि इस आज एक पार्टी होने जा रही है जहाँ पर सोशल गैदरिंग होगी, जिसके अंदर ये सारा कम्युनिकेशन होगी, तो शी वॉन्ट टू गिव हर एन आउटलेट टू हर रिप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, तो इसलिए सब लोग एक सोशल गैदरिंग के अंदर इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम फ्लावर शॉपिंग एंड ओल्ड ओल्ड सूटर एंड फ्रेंड पीटर वाश मेंशन हो चुका है ये भी, ड्रॉप्स बाय हर हाउस अनएक्सपेक्टेडली, तो ये भी आ जाता है। तो उससे पहले ये सोच रही होती है, तो सारी मेमोरी जो है, तो उसके साथ ये बंदा आ जाने से उसको और ज्यादा जो है उसकी थॉट को रीइन्फोर्स हो गई है। तो इयर्स अर्लियर क्लारिसा रिफ्यूज पीटर्स मैरिज प्रपोजल एंड पीटर हैज नेवर क्वाइट गॉटन ओवर इट। तो अब पीटर ने अभी तक जो है ना, ही वॉज अ फनेटिक लवर, सो देयर फॉर ही इज अनएबल टू रिकनसाइल विद द प्रपोजल ऑफ हिज बिलवर्ड। तो क्लारिसा ने उसको प्रपोज जो है वो रिफ्यूज कर दिया था, तो आज तक वो अभी तक भी रोता है भी है थोड़ा। पीटर आस्क क्लारिसा इफ ही इज हैप्पी विद हर हस्बैंड, तो वो ये क्वेश्चन भी कर देता है कि जी बताएं व्हाट इज योर रियल डिलाइट आफ्टर फाइंडिंग सच एन आइडियल मैन, बट बिफोर शी कैन आंसर, लेकिन अभी वो आंसर करती ही, क्योंकि देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो प्लॉट है वो बहुत कम मूव करता है, छोटा सा इवेंट है, जस्ट एक गैदरिंग होनी है, उसमें कुछ लोगों ने आना है अपने अपने कुछ तासरात के बारे में, लेकिन हमें जो उनकी पास्ट मेमोरी है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ आवर नॉवल। हर डॉटर एलिजाबेथ एंटर द रूम, तो जवाब भी नहीं ले सकती क्योंकि उसकी बेटी आ गई, तो उनकी प्राइवेसी के अंदर उसने जो है ना आके तो इंटरप्शन की है, तो देयर फोर शी हैज अनएबल टू आंसर एनीथिंग। पीटर लीव्स एंड गोज टू रीजेंट्स पार्क। अब पीटर यहाँ से जाएगा, ये दूसरा नरेटर जो आने वाला है जिसकी थॉट हमें इनवर्ड थॉट जो है ना यह पीटर है, ठीक है जी। तीसरा है सेप्टिमस, तो तीनों की थॉट को बड़े उम्दा तरीके के साथ डीपली उनके माजी का हालात, उनकी इनवर्ड थॉट्स, उनके रिग्रेट्स, उनके प्लेयर्स उन तक हम जाएंगे। तो अब वहां पर जाता है, ही थिंक्स अबाउट क्लारिसाज रिफ्यूजल, वो उसको बड़ा दुख हो रहा है, विच विल स्टिल ऑब्सेसिज हिम, वो अभी भी उसको जो है ना बड़ा ऑब्सेस करता है कि ये क्यों इस लड़की ने मुझे फोर्स किया कि आई विल नॉट मैरी हर। द पॉइंट ऑफ व्यू देन शिफ्ट्स टू सेप्टिमस, तीसरा नरेटर आ जाता है, अ वेटरन ऑफ हु वाज इंजर्ड इन ट्रेंच वारफेयर एंड नाउ सफर फ्रॉम शेल शॉक। ये वो बंदा है जिसके बारे में हम इसके करेक्टर हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, तो हमने काफ़ी जाना इसके बारे में कि ये कौन है, शायद टाइप बंदा था, अब इसकी शादी हो चुकी है, तो इसका मतलब वार के ऊपर जो एक्सपीरियंस है उसने उसको बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे कि डिसइल्यूजन किया है, कि उसने कहा कि भाई वार तो ऐसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए ये वो उसको एक पोस्ट वार ट्रामा का शिकार है, अब एक मेंटल इलनेस का शिकार है, और उसको रिफ करने के लिए रीजोविनेट या उसको रीअसेस करने के लिए उसकी वाइफ है लुक्रेजिया, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट एंड हर डॉटर इज विलियम, राइट। तो ही इज आल्सो ट्रीटिंग हर जो ना हिम, बट क्या होगा आगे हम चलते हैं, कहानी उसी तरह मूव कर रही है, ठीक है जी। जी इन द पार्क सेप्टिमस एंड हिज वाइफ आर वेटिंग फॉर सेप्टिमस अपॉइंटमेंट विद सर विलियम ब्रैडशॉ, जिसका मैंने अभी मेंशन भी किया था। तो ये चाह रहे हैं कि उनसे टाइम लें और देखें कि इसके दिमागी हालत क्यों इतनी डिटेलिएट करती जा रही है। सेलिब्रेटेड साइकेट्रिस्ट, सेलिब्रेटेड साइकेट्रिस्ट भैया वो एक कॉलोनाइजर नजर आएगा, वो अपनी ही मतलब चीज़ों को देखेगा कि मतलब किस तरह इसको मतलब थॉट को वो मतलब जो है ना वो पिंजरे में डाल रहा है, तो इसलिए फिर जो है ना ये सेप्टिमस जो है वो ऑन टुवर्ड द एंड ऑफ द डे ही विल कमिट सुसाइड इंस्टेड ऑफ बींग कॉलोनाइज्ड। बिफोर द वार
अब थोड़ा सा हमें ये बताया गया राइटर की तरफ से, ओमनीशाइंट जो नरेटर है, तो सेप्टिमस वाज बडिंग यंग पोइट एंड लवर ऑफ शेक्सपियर, कुछ इसके करेक्टर के इंट्रोडक्शन में भी था, अब कहानी में भी ऐसे मूव कर रही है। व्हेन द वॉर ब्रोक आउट ही इनलिस्टेड इमीडिएटली फॉर रोमांटिक पैट्रियोटिक रीजंस। तो जिस तरह हम भी हमने जो है ना वो बनाए होते हैं कि हमारा मुल्क है, अभी इसकी तहफ्फुज़ के लिए हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, तो अब जो है ये बंदा भी अपने आप को इनलिस्ट करवा देता है आर्मी के अंदर, तो वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब किस तरह डिसइल्यूजन होता है हमें वो बाद में नज़र आ ही रहा है, क्योंकि सफरिंग फ्रॉम सम ट्रॉमेटिक मतलब प्रॉब्लम, ही बिकेम नंब टू द हॉरर्स ऑफ वॉर, राइट जी, एंड इट्स आफ्टरमैथ व्हेन हिज फ्रेंड इवंस डाइड ही फेल्ट लाइक सैडनेस। अब जो है ना ही स्टार्टेड गेटिंग वेरी सैड आफ्टर द डेथ, तो इस डेथ भी एक थीम बन रहा है, ठीक है जी। तो ये कल इंशाल्लाह हम इसके थीम्स को भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, तो देख रहे हैं हम मॉडर्न क्या चीज़ें हैं, किस तरह तो हमारे जो करेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रही हैं, वार का बहुत रोल है और सोशियो पोलिटिकल की फॉर्म जो है ना वो भी चेंज हो रही है, तो ये सारी तब्दीलियाँ आ रही थी, ठीक है। पिछली चीज़ों को रिजेक्ट किया जा रहा था, नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा था, दिस इज द एज ऑफ ट्रांजिशन, मॉडर्निज्म इज ऑल्सो अनदर जो है नेम ऑफ ट्रांजिशन, तब्दीली का नाम है। नो सेप्टिमस सीज नथिंग ऑफ वर्थ इन इंग्लैंड ही फाउट फॉर, अब वो जो है इस आफ्टर मैथ ऑफ वॉर आफ्टर हैव अ क्लोज साइट ऑफ द किलिंग्स ऑफ अदर पीपल, तो ही हैज बीन बिटरली डिसिल्यूजन, तो एंड ही हैज लॉस्ट द डिजायर टू प्रिजर्व इधर हिज सोसाइटी और हिमसेल्फ। अब वो उसने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने जो प्राइवेसी उसको नहीं मिलती, तो वो तमाम ये चीज़ें बोलता जा रहा है कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर ले या अपने सोशल नॉर्म्स को कर ले, तो इसलिए हमसे सुइसाइडल, ही बिलीव्स हिज लैक ऑफ फीलिंग इज अ क्राइम, राइट। तो अब वो समझता है कि जो है ना वो उसका लैक ऑफ फीलिंग जो है ना ये क्राइम है, जब उसको कोई समझ नहीं पा रहा। तो क्लियरली सेप्टिमस एक्सपीरियंस इन द वॉर हैव परमानेंटली स्केर्ड हिम एंड ही हैज सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स, राइट जी। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाउएवर सर विलियम डज नॉट लिसन टू व्हाट सेप्टिमस सेज एंड डायग्नोसिस अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन, तो वो अपनी तरफ से मैंने जैसे बताया था कॉलोनाइज कर रहा है उसकी माइंड को, और वो कह रहा है कि लैक ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन द हिज आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, तो इसलिए ये वो डायग्नोज करता है। तो इसको वो ये आगे ये एडवाइस करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि इसको आप जो है ना एक मेंटल जो है ना वो रखें वहाँ पर हॉस्पिटल, तो वो कहेगा ना ये मुझे जो है ना ये बंदा सफ़र करवा रहा है। सर विलियम प्लान्स टू सेपरेट सेप्टिमस फ्रॉम लो क्रेजिया एंड सेंड्स हिम टू मेंटल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, तो ये उसका एक असेसमेंट जो है वो हॉन्ट करती है जो है ना सेप्टिमस। अब रिचर्ड डेलवो, अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, रिचर्ड डेलोवे ईट्स लंच विद हग वाइट बर्ड एंड लेडी बर्टन, ये अपर क्लास लोग हैं तो उस मेंबर्स ऑफ हाई सोसाइटी लिखा भी हुआ है। आफ्टर लंच रिचर्ड रिटर्न होम टू क्लारिसा विद अ लार्ज बंच ऑफ रोजेस, आज वो बड़ा एक मतलब जो है ना वो लेके आया है बंच ऑफ रोजेस, और वो उसने इंटेंशन की हुई है, इंटेंस टू टेल हर दैट ही लव्स हर बट फाइंड्स दैट ही कैन नॉट, बट वो पता नहीं क्यों नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इवन दो ही इज मेकिंग हिज माइंड टू गिव हर रीअश्योरेंस दैट ही लव्स हर वेरी मच, बट वो अपना इजहार नहीं कर पाया, तो ही बिकेम रिजर्व एट दिस टाइम बिकॉज इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस ही लास्ट हैड, तो शायद वो अब उसने बड़ा जवानी में ही कहा होगा उसको कुछ अर्ली अराउंड व्हेन ही गॉट मैरिड एंड ही यूज्ड टू एक्सप्रेस मतलब जो है फ्रेंकली, पर आज उसने इंटेंड करते हुए भी उसको अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है जी। मीनवाइल सेप्टिमस एंड लुक्रेजिया आर इन देयर अपार्टमेंट एंजॉयिंग अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर, ठीक है जी। सेप्टिमस और लुक्रेजिया जो है ना वो अपने अपार्टमेंट में तो बहुत अच्छा चल रहे थे, टुगेदर बिफोर द मैन कम टू टेक सेप्टिमस टू द मेंटल हॉस्पिटल, ये चीज़ उसके लिए इरिकनसाइलेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है कि मुझे मतलब जो है आइसोलेट कर दिया जाए फ्रॉम ऑल ऑफ माई प्राइवेसी एंड फ्रॉम माई ऑल सोशल कम्युनिकेशन, तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाए करेगा सेप्टिमस जो है। तो डॉक्टर होम्स अराइव्स एंड सेप्टिमस फियर द डॉक्टर विल डिस्ट्रॉय हिज सोल एंड ही जंप्स फ्रॉम विंडो टू हिज डेथ, तो ही मतलब कमिट सुइसाइड आफ्टर जंपिंग फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ हाई बिल्डिंग, सो इन दिस वे ही गॉट मैरिड डाइट। पीटर हियर्स द एम्बुलेंस गो बाय टू पिक अप सेप्टिमस बॉडी, ये पीटर वही है नरेटर है जो आया हुआ है पार्टी के ऊपर, तो ये देख रहा होता है कि एम्बुलेंसेस वर मूविंग ऑन द स्ट्रीट एंड बॉडी वाज शिफ्टेड, सेप्टिमस बॉडी वाज शिफ्टेड हु वाज एन ओल्ड वेटरन ऑफ वॉर एंड मार्वल्स आयरोनिकली एट द लेवल ऑफ लंदन सिविलाइजेशन, वो कहता है कि ये लंदन की सिविलाइजेशन है, इसके लिए हमने एक जंग लड़ी थी, इसके लिए हमने इतना कुछ किया था, तो मतलब अब जितने भी मॉडर्न मैन है दे आर बिटरली डिसिल्यूजन्ड, राइट। ही गोज टू कलिसाज पार्टी, और वहाँ पर ये जो है ना खबर फिर मिलेगी
सर विलियम ब्रैडशॉ कम्स पार्टी में, वही डॉक्टर जो है अब वो भी आ जाता है इसी पार्टियों पर, एंड वाइफ एक्सप्लेन्स दैट सेप्टिमस कमिटी सुइसाइड, तो शी क्रैक द न्यूज ऑफ कमिटिंग सुइसाइड बाय मिस्टर जना सेप्टिमस, तो द पार्टी लीडर्स एट दिस क्लोज एज गेस्ट बिगिन टू लीव। ठीक है जी, तो अब जो है तकरीबन अब पार्टी कंक्लूड होने जा रही है, तो मैंने जैसे बताया था क्लरिसा लैंक उसको जानती भी नहीं, ही इज सेप्टिमस इज स्ट्रेंजर टू हिम टू हर, तो क्लरिसा एंटर द रूम एंड हर प्रेजेंस फील्स पीटर विद अ ग्रेट एक्साइटमेंट, और उसके साथ साथ वो कहती है कि हाँ ही हैज डन समथिंग वेरी गुड जॉब बाय कमिटिंग सुइसाइड, तो मतलब देखें कि उसको वो क्रेडिट दे रही है, थोड़ी देर के लिए सोचती है और इस तरीके के साथ ये पार्टी खत्म हो जाती है। इतनी को कहानी थी, तो मतलब वो जो है ना सुबह की प्रिपरेशन थी, उसके बाद कुछ गैदरिंग थी और लोगों के जज्बात थे, उनके कैरेक्टर का उनके पास्ट के साथ क्या ताल्लुक था, तीन नरेटर आए उन्होंने अपनी थॉट को एक्सप्रेस किया। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ तक इसका रखते हैं, प्लॉट एनालिसिस हो गया, कैरेक्टर को हमने कुछ देख लिया है तो उनका ओवरव्यू कर लिया है, कल से हम इसके थीम्स और आगे जो मॉडर्न फीचर्स हैं इसके वो करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिफोर मिड टर्म। ठीक है जी, तो अब आप लोग जो है ना मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो मुझे प्लीज आगाह करें। जी बेटा, और उसके अलावा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हसबे जो है ना, जैसे मैं कहता रहता हूँ, तो जी आर जो होती हैं प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू शेयर मी स्क्रीनशॉट, और उसके अलावा प्लीज जो है ना आप बता दें मुझे कोई कंफ्यूजन है तो मैं अभी आपके सॉल्व कर देता हूँ। जी बेटा, कहानी की कुछ समझ आई है जी, तो इसके प्लॉट को आप फर्दर डिटेल से पढ़ें, कल इंशाल्लाह हम इसके थीम करके तो ये हमारे दो लेक्चर में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बेटा, फरम यस सर, समझ लग गया। चलें, ठीक हो गया जी, एक मतलब जो है ना हमारे प्रोटागोनिस्ट के सारी उसकी थॉट के बारे में जो है ना बताया गया, तो क्या सोच रही थी, आज उसके साथ क्या हो रहा सर है, ठीक है जी, माजी के उसके क्या क्या तजर्बात थे, किन चीज़ों ने उसको इम्प्रेस किया है, कौन कौन से लोग हैं, किन से वो क्या तवक्को कर रही थी, क्या क्या कुछ हो रहा था। ठीक है जी, आप आज इसको ज़रा डिटेल से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह कल हम इसके थीम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे और कोटेशन यस वगैरह भी सर डिस्कस करेंगे और फर्दर इसके प्लॉट को भी एनालाइज करेंगे और फर्दर मैं मॉडर्न फीचर भी इसके अंदर फिर दोबारा बताऊंगा कि दोनों नॉवल्स के अंदर मतलब हमारे जितने भी नॉवल्स हैं सब में मॉडर्न फीचर्स ही आ रहे हैं, और मॉडर्न फीचर में कल इंशाल्लाह सारे हाईलाइट करूंगा। ठीक हो गया जी, ओके बेटा, फिर मैं आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर।